Welcome learners to Gate Notebook. So today in this lesson we will discuss grammars. तो grammars क्या होते हैं और क्यों होते हैं in compiler design वो हम discuss करने वाले हैं. तो सबसे पहले grammar का हम use करते हैं ताकि parser जो है वो input को parse कर सकें, check कर सकें कि वो सही है कि नहीं है. ठीक है, तो parser which is the second phase of the compiler वो grammar को as an input लेता है ताकि वो ये check कर सकें कि जो string है वो generate हुई है parse tree के through वो सही है कि नहीं है. ठीक है, करेक्टली जनरेट हुई है कि नहीं है. तो ये चीज़ चेक करने के लिए वी यूज़ ग्रामर. और ग्रामर हम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ करते हैं जिसके फोर टपल्स होते हैं, वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शंस एंड स्टार्ट सिंबल. तो वेरिएबल्स हमेशा कैपिटल वाले होते हैं और टर्मिनल हमेशा स्मॉल वाले होते हैं. वेरिएबल को हम नॉन टर्मिनल भी कहते हैं. तो जो ग्रामर्स होती हैं जिसमें कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आता है उसे हम किस टाइप का ग्रामर कहते हैं, तो इट इज़ अ टाइप टू ग्रामर जिसमें कि एग्जैक्टली वन वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्शन में होना चाहिए और वेरिएबल और टर्मिनल का कलेक्शन राइट हैंड साइड में आ सकता है. ठीक है, देन एम्बिग्विटी ऑफ ग्रामर कब होती है. एक ग्रामर एम्बिगुअस तभी होता है जब वो किसी स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन पार्स ट्री जनरेट करे या फिर मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन दे या फिर मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन दे. देन इसके बाद जो ग्रामर्स होती हैं उनमें एम्बिग्विटी अलाउ कौन सा पार्सर नहीं करता और कौन सा करता है. मतलब मोस्टली जो है ना जितने भी पार्सर्स हैं वो ग्रामर की एम्बिग्विटी को अलाउ नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पार्सर कंफ्यूज हो जाता है एम्बिगुअस ग्रामर को लेकर के कि उसे कौन सा इनपुट जनरेट करना है और कौन सा नहीं करना है. ठीक है, तो टू सॉल्व द कन्फ्यूजन ऑफ पार्सर हम अनएम्बिगुअस ग्रामर को अलाउ कर सकते हैं पार्सिंग में, पर एम्बिगुअस ग्रामर को नहीं कर सकते. बट देर इज़ ओनली वन पार्सर जो एम्बिगुअस ग्रामर को अलाउ करता है और वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर. बाकी सारे पार्सर एम्बिगुअस ग्रामर को अलाउ नहीं करते, पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर अलाउ करता है. फिर यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस करना है कि जो पार्सिंग होती है उसमें एम्बिगुअस ग्रामर तो अलाउड नहीं होता, पर ये जो एम्बिग्विटी होती है ग्रामर्स में वो क्यों आती है. एक ही स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा पार्स ट्री क्यों बनते हैं, एक से ज़्यादा आरएमडी या एलएमडी क्यों बनती है, क्योंकि प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का ख्याल नहीं रखा जाता. मतलब कि हम ये चेक नहीं करते कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, कौन से की कम है. हम ये चेक नहीं करते कि एक ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव है कि राइट एसोसिएटिव है. अगर इस चीज़ का ख्याल रखें तो हम ग्रामर की एम्बिग्विटी से बच सकते हैं. तो बेसिकली ग्रामर में उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है जो स्टार्ट सिंबल से सबसे ज़्यादा दूर होता है और उसकी सबसे कम होती है जो स्टार्ट सिंबल से पास होता है. ठीक है, फिर यहाँ पर अगर इसका टेक केयर हम कर लें तो एम्बिग्विटी ग्रामर की ख़त्म की जा सकती है. ठीक है, तो इतना ही था. थैंक यू सो मच.